सर आज मीटिंग हुई है, आगे के लोकसभा चुनाव का मैं क्या बोला है, मंथन किया जा रहा है इसके बारे में। देखिए, पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक है आगामी कार्यक्रमों को लेकर। और चूंकि मोर्चे हमारे हरावल दस्ता हैं, तो इस नाते मोर्चे हर क्षेत्र में हर काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो मोर्चों ने अपनी आगामी कार्य योजना बनाई है, उसको लेकर योजना और उस काम के क्रियान्वयन को लेकर आज बैठक रखी गई है। सर आज ईडी की कार्रवाई भी हुई है पूरे प्रदेश भर में जल जीवन मिशन मामले को लेकर। पिछले 5 वर्षों में लूट और झूठ की सरकार थी। मोदी सरकार ने हर गरीब के घर पर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए करोड़ों रुपए सरकार को, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार को करोड़ों रुपया दिया, लेकिन उस सरकार ने गरीब के घर पर पानी, पीने का शुद्ध पानी पहुंचे इसकी चिंता नहीं की और उनकी जेबें कैसे भरी जाए उसकी चिंता की है। तो भ्रष्टाचारियों की जेब से वो पैसा फिर से निकले और गरीब के घर पर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, निश्चित रूप से ईडी ने जो कार्रवाई की है, मैं सोचता हूं ये पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पाइप में, जिस प्रकार से एक्सकवेशन में, बाकी इन सारे कामों में जिस प्रकार से घटिया और जो नियमों में जो है उनके विपरीत काम किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का, कांग्रेस कह रही है पर्ची सरकार है, जो दिल्ली से डायरेक्शन मिलते हैं। पहले अपना नेता, पहले अपना लीडर अपोजिशन तो तय कर ले, पहले अपनी यात्रा, न्याय यात्रा चालू करने से पहले ही इनके घर के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि कौन इस डूबती नैया में बैठेगा। अपने घरों की पहले चिंता कर ले। ये मजबूत नेतृत्व वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जहां एक सशक्त नेतृत्व है, एक लोकप्रिय नेतृत्व है। उस नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी के लोगों की नसीहत की आवश्यकता नहीं है।